तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोगों के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे, अभी क्या जब गए हैं तो उनको सब ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी आज आरजेडी का दामन थाम ली है और आरजेडी के दामन थामते ही तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक था MY समीकरण, जिसे 2024 लोकसभा में तेजस्वी भुना नहीं पाए थे, कहा जा रहा था कि हेना साहब के निर्दलीय लड़ने की वजह से कई जगहों पर जो मुस्लिम समीकरण था वो घिसक गया था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े मजबूती और बड़े चतुराई के साथ उस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हेना साहब के बेटे उसामा साहब और खुद हेना साहब को राष्ट्रीय जनता दल का एक बार फिर से सदस्यता दिला दिया है। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि उसामा सिवान में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग ये सब कुछ तय है, उसामा के चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट हो चुकी है और जैसे ही इसकी भनक जनता दल यूनाइटेड को लगता है, जदयू के तरफ से अब लगातार जो कयास हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ललन सिंह पटना पहुंचे हैं, एक बैठक बुलाई गई है NDA गठबंधन की, जिस बैठक में कल एक बड़ा फैसला होना है। इसके बाद ललन सिंह से जब इस पर सवाल किया गया है तो उन्होंने हेना साहब और उसामा पर क्या कुछ जवाब दिया है, आप खुद सुनिए। तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं, तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोगों के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे, अभी क्या जब गए हैं तो उनको सब ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था और आज भी उनके मन में वही कल्पना है, तो इसलिए तेजस्वी यादव जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। फिर वही बात कर रहे हैं, उनको कहेगा गंभीरता से लेते हैं, JDU का नामकरण वो करेंगे कि JDU बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। फिर वही बात कर रहे हैं, उनको कहेगा गंभीरता से लेते हैं, JDU का नामकरण वो करेंगे कि JDU बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफ स्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7-layer सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेड मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।